Hello friends, in our previous class we were discussing about the introductory part of this chapter. In that we were discussing about the structure of flower. उसके अंदर हमने pre-fertilization structure और events के बारे में पढ़ा था. उसी को continue करते हैं आज और हम पढ़ेंगे इस chapter के अंदर stamen के बारे में और microsporangium के बारे में and then pollen grain के बारे में. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले stamen से and stamen क्या है and उसके क्या-क्या parts हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेमन जो है वो किसी एंड्रोशियम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और उस एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम की फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है स्टेमन पे. बहुत सारे स्टेमन मिल जाते हैं, एक एंड्रोशियम बनता है और एंड्रोशियम की फंक्शनैलिटी स्टेमन पे डिपेंड करती है. ठीक है, स्टेमन जो है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है. कौन कौन से दो पार्ट हैं? एंथर है पहला. एंथर टर्मिनल पोजीशन पे होता है और ये बाइलोब्ड होता है. यूजली ये टर्मिनल पोजीशन पे तो होता ही है और यूजली ये बाइलोब्ड होता है. और दूसरा पार्ट जो है वो है फिलामेंट. फिलामेंट जो है वो लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है. सिलेंडर मतलब थिन होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है. फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर होता है और एंथर जो है वो टर्मिनल पोजिशन पे होता है. एंथर का काम क्या है? पॉलिन ग्रीन बनाना. अगर हम बात करें एंथर, तो एंथर के अंदर होते हैं दो लोब्स. एंथर बाइलोब्ड होता है और दोनों लोब्स आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कनेक्टिव. दोनों आपस में किसकी हेल्प से जुड़े रहते हैं? कनेक्टिव की हेल्प से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं. अगर हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट जो है उसका काम क्या है? फिलामेंट का काम है एंथर को रिसेप्टिकल से या एंथर को पेटल से जोड़ना. प्रोक्सिमल एंड होता है जो फिलामेंट का, जो एंड प्रोक्सिमल होगा फिलामेंट का, उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा आपके एंथर को रिसेप्टिकल से या फिर पेटल से जोड़ना. ठीक है, और जो डिस्टल एंड होगा वो हमेशा एंथर से जुड़ा रहेगा. फिलामेंट के दो एंड हैं. जो एंड आपके रिसेप्टिकल की तरफ होगा उसका काम क्या होगा? उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड. और जो एंड एंथर की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड. क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं आगे. ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं डिटेल के अंदर, वन बाय वन विल डिस्कस. ये सबसे पहले आपके पास एंथर दिख रहा है आपको. एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड और दोनों लोब आपस में किससे जुड़े हुए हैं? वो कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी अगली स्लाइड्स में जब हम डायग्राम पढ़ेंगे. और जो एंथर है ये फिलामेंट की हेल्प से, फिलामेंट जिसको आप स्टॉक भी बोलते हैं, फिलामेंट की हेल्प से रिसेप्टिकल से जुड़ा हुआ है. क्लियर? अगर मैं इसको कट करता हूं तो कट करने के बाद मुझे क्या दिखेगा? लेट सपोज आई एम जस्ट कटिंग इट हियर लाइक दैट. अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो जब मैं कट करूंगा तो मुझे ये इस तरह से दिखेगा. इसमें मुझे दो लोब दिखेंगे और दोनों लोब के अंदर मुझे क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगी हम देखते हैं. सबसे पहले मुझे दिखेंगे इसके अंदर पोलन सैक्स. पोलन सैक जो है इनके अंदर दिखेंगे पोलन ग्रेन. और ये जो है ये है लाइन ऑफ डिहेसेंस. लाइन ऑफ डिहेसेंस मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो एंथर यहां से रप्चर हो जाता है ताकि इनमें से पोलन ग्रेन बाहर निकल सके और डिस्पर्स होके वो दूसरी जगह पे जा सके. तो पहली जो स्ट्रक्चर थी वो एक टिपिकल स्टेमन की थी. उस स्टेमन में दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट. और दूसरी जो स्ट्रक्चर है, दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो है आपकी, जब हमने एंथर को कट किया तो एंथर को कट करने के बाद हमने उसका 3D सेक्शन देखा. तो ये 3D सेक्शन की स्ट्रक्चर है. किसकी स्ट्रक्चर है? 3D सेक्शन की. ठीक है, एंथर का 3D सेक्शन है, उसके अंदर पोलन सैक दिख रहे हैं और पोलन सैक के अंदर आपको पोलन ग्रेन दिख रहे हैं. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बेटा? नाउ वी आर मूविंग अहेड. ये डायग्राम NCERT का है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. मैंने इसको खुद ड्रॉ कर दिया है और ये आप देख सकते हैं. SS डायग्राम आपको NCERT में मिल जाएगा. और मैं आपको फिर से बता दूं, नीट के अंदर NCERT के डायग्राम बहुत ज्यादा आते हैं. अगर आपके 2 से 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके पास कितने, अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 12 नंबर तो आपके श्योर है. और अगर आपने गलत कर दिए तो फिर मान लीजिए आप -5 मान के चलिए, क्योंकि 4 तो आपके वैसे गए और -1 गया. तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान चीज़ कोई हो ही नहीं सकती. समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट देखते हैं,
एक टिपिकल एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो एंथर की स्ट्रक्चर में क्या-क्या चीजें होती हैं और एंथर कितने तरह का होता है। एंथर मे बी ऑफ थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर किसी एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो उसको हम टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ये वाला जो है ये टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट है क्योंकि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें लोब कितने थे, इसमें लोब्स थे दो, तो इस वजह से इसको डाइथिकस या फिर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। लेकिन देर आर सम एंथर जिनके अंदर सिर्फ दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, सिर्फ दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इस वजह से उनको हम मोनोथिकस या मोनोलोब्ड या फिर बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाइस्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं, बाई इज हियर फॉर टू ओनली। अगर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो मतलब बाइस्पोरेंजिएट, अगर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इसका मतलब लोब कितने होंगे, एक होगा, तो मोनोलोब्ड स्ट्रक्चर या फिर मोनोथिकस स्ट्रक्चर। देर आर सम प्लांट्स, देर आर सम फ्लावर जिनके अंदर एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, देर आर सम प्लांट्स जिनके अंदर एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इनको बोला जाता है मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट प्लांट, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है उनके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, तो ये मालवेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगी। ये किसमें देखने को मिलेगी, मालवेसी फैमिली के अंदर। और मालवेसी फैमिली के अंदर एक बात और ध्यान में रखना, इनके जो एंथर हैं वो किडनी शेप होते हैं या फिर रेनिफॉर्म टाइप होते हैं। किडनी शेप एंथर किसमें पाए जाते हैं, मालवेसी के अंदर। बाइस्पोरेंजिएट फ्लावर किसमें पाए जाते हैं या बाइस्पोरेंजिएट एंथर किसमें पाए जाते हैं, बाइस्पोरेंजिएट एंथर जो है और किडनी शेप एंथर जो है वो मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं। अगर बात करें मोनोस्पोरेंजिएट की, तो मोनोस्पोरेंजिएट जो है आर्कियूथोबियम एक प्लांट है जो कि स्मॉलेस्ट पैरासाइट है। आर्कियूथोबियम प्लांट इसके अंदर मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है, क्लियर। आर्कियूथोबियम जो है इसके अंदर मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पैरासाइट, क्लियर। आगे मूव करते हैं, अब देखते हैं एंथर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक यंग एंथर जो है, एक यंग एंथर जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, उसमें मेरिस्मेटिक सेल का एक मास पाया जाता है, एक ग्रुप होता है मेरिस्मेटिक सेल्स का। देर मे बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दैट सेल आर इन नेचर ऑफ मेरिस्मेटिक, ठीक है। अब ये सारी की सारी सेल चारों तरफ से कवर रहती हैं, किससे, एपिडर्मिस से। ग्रुप ऑफ सेल है और इसके चारों तरफ कवरिंग है एपिडर्मिस की, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे इनमें पोलन सैक डेवलप होते हैं हाइपोडर्मली, और चार कॉर्नर पर, ये एक ग्रुप ऑफ सेल था, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर क्या बन जाएंगे, पोलन सैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। एंथर के चारों कोनों पर पोलन सैक्स डेवलप हो जाएंगे और उनमें एक स्ट्रिप बनेगी जिसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल स्ट्रिप। एक पतली सी स्ट्रिप बनेगी, इस तरह से स्ट्रिप बनेगी जो आर्किस्पोरियम या जो कि आर्किस्पोरियल सेल की बनी होती है, एक स्ट्रिप बनेगी इस तरह से। अब ये स्ट्रिप जो है ये स्पेशल सेल्स की है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। इस स्ट्रिप में क्या होगा, ऊपर की तरफ डिवीजन होंगे, नीचे की तरफ डिवीजन होंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगी, समझ आ रही है। सबसे पहले एंथर जब यंग था तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल थी, कौन सी सेल थी, मेरिस्मेटिक सेल। अब ये चारों तरफ किससे कवर थी, ये एपिडर्मिस से कवर थी, ठीक है। अब इन ग्रुप ऑफ सेल में क्या हुआ, इन ग्रुप ऑफ सेल के अंदर डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, जिससे चारों कॉर्नर पे चार पोलन सैक बन गए और बीच में क्या बना, एक स्ट्रिप बन गई सेल्स की। उस स्ट्रिप को बोलते हैं आर्किस्पोरियम, और ये किस सेल्स की बनी होती है, आर्किस्पोरियल सेल की। अब देखते हैं इससे क्या होता है, जो आर्किस्पोरियम बीच में जो स्ट्रिप है मैंने आपको दिखाया, इस बॉक्स में आपको दिख रही है आर्किस्पोरियम, ये ऊपर की तरफ डिवाइड कर रही है और ये नीचे की तरफ भी डिवाइड कर रही है। जब ये ऊपर की तरफ डिवाइड करेगी तो ये बाहर की तरफ डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये बनाएगी पेराइटल सेल। पेराइटल सेल इनको बोलते हैं पीपीसी, प्राइमरी पेराइटल सेल, जो बाहर की तरफ डिवाइड हो रही है। और इन पीपीसी से क्या बन रहा है, इनसे 3 to 5 लेयर्ड एंथर वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंथर वॉल जो है वो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से बनती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। एंथर वॉल में आपके आ जाते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इनका फॉर्मेशन बाहर की तरफ हो रहा है, एंथर के बाहर की तरफ, और इसका फॉर्मेशन कौन सी सेल से हो रहा है, इनका हो रहा है पीपीसी से। पीपीसी मतलब प्राइमरी पेराइटल सेल्स,
ठीक है, अब ये आर्किस्पोरियम जब अंदर की तरफ डिवाइड करेगी, व्हेन दिस आर्किस्पोरियम इज गोइंग टू डिवाइड टुवर्ड इनर साइड, तो इससे बनेंगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब अंदर की तरफ कौन सी सेल बनेगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बाद में डेवलप होकर के, डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी, जो कि डिप्लोइड होंगी। कैसी होंगी? डिप्लोइड। तो इस तरह से पूरे एंथर का डेवलपमेंट हो जाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कोई आर्किस्पोरियम बाहर की तरफ डिवाइड करती है तो वो पीपीसी बनाती है, अगर कोई आर्किस्पोरियम अंदर की तरफ डिवाइड करती है तो पीएससी बनाती है। पीएससी मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिससे बाद में मदर सेल बनेंगी, पोलन मदर सेल या फिर जिनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। इनमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन स्पोर्स बनेंगे, जो कि टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे। और बाहर वाली क्या बना रही है? एंथर वॉल बना रही है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर